हेलो वेलकम बैक। टुडे द टॉपिक इज कंपल्सन, राइट? कंपल्सन। सो कंपल्सन क्या होता है, पहले हम इसको समझें। कंपल्सन होता है जब हम किसी मजबूरी का सामना करते हैं। कंपल्सन ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कंपल्सन इज अ टाइप ऑफ ग्रामर सेंटेंस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट इन डेली यूज सेंटेंसेस। कंस्ट्रेंट मतलब जब आपको किसी चीज़ से या किसी बात में मजबूरी जैसी लगती है, मतलब यू आर जस्ट फीलिंग दैट इट्स वेरी कंस्ट्रेंट, राइट? दैट सिचुएशन यू कैन यूज़ दिस। एंड नाउ देयर इज फर्दर वी गो, सो यू कैन सी हियर, पहला पहचान है आईडी। आईडी क्या रहेगी? ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में पढ़ता था, पढ़ी थी, पढ़ा था, खाली पढ़ा भी हो सकता है, पढ़ा था भी हो सकता है, और पढ़ी, राइट? है ना, जैसे उसे डांट खानी पड़ी, उसे घर जाना पड़ा, या उसे घर जाना पड़ा था, लाइक दिस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो उसमें आएगा पड़ता है, जैसे उसे घर जाना पड़ता है, उसे रोज़ खाना बनाना पड़ता है, उसे सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे डांट सहनी पड़ती है, उसे टीचर की डांट खानी पड़ती है। तो इस तरह से कुछ भी इसमें आ सकता है, इसे आपको देखना है। और फ्यूचर में पड़ेगा, पड़ेगा, जैसे उसे घर जाना पड़ेगा, उसे 2 बजे घर जाना पड़ेगा, कल उसे यहाँ आना पड़ेगा, या उसे ये बात सहनी पड़ेगी, उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, ये सब इस तरह से, है ना? या पड़ता होगा, तो आई थिंक पढ़ता होगा का सेंस तो कम ही आएगा सेंटेंस में, पर इनका ज़्यादा आएगा, और पढ़ता होगा भी अब उसका स्थान भी है, इसलिए उसको लेना ज़रूरी है। तो दीज आर द वे हाउ वी जस्ट सी दैट हाउ द सेंटेंस मे बी देयर, राइट? आगे बात आती है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? तो अगर आप पास्ट में होगी तो हैड टू लगेगा, हैड प्लस टू, यानी कि हैड टू। और प्रेजेंट में लगेगा हैव टू और हैज़ टू। अगर आपका सेंटेंस यानी कि जो कंपल्सन है वो सब्जेक्ट उसमें क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ टू आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि अगर आई के साथ सेंटेंस बनाओगे तो भी हैव टू ही आता है। फिर बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में देखो सेल हैव टू और विल हैव टू। तो यहाँ पे भी सेल हैव टू विल हैव टू का यही रूल है कि जहाँ सेल लगता है वहाँ सेल हैव टू हो जाएगा, जहाँ विल लगता है वहाँ विल हैव टू हो जाएगा। तो सेल हैव टू आई वी के साथ होता है, बाकी सब विल हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी बात होती है फॉर्म ऑफ वर्ब की। कौन सी फॉर्म लगेगी? तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। कहाँ? पास्ट में। प्रेजेंट में भी पहली फॉर्म लगेगी, फ्यूचर में भी पहली फॉर्म, सब में पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी जरूरी याद रखना है। अब देखो तीनों बातें हमें जब याद हो जाती हैं, पहला हमें पहचान पता लग जाता है जब इसकी पहचान क्या है, दूसरा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और तीसरा इसका फॉर्म क्या है, जब पता चल जाता है तब हम सेंटेंस बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे मुझे गाँव जाना पड़ता है, आई हैव टू गो विलेज, आई हैव नॉट टू गो विलेज, हैव आई टू गो विलेज, हैव आई नॉट टू गो विलेज, वाई हैव आई टू गो विलेज, वाई हैव आई नॉट टू गो विलेज, ये सब इसमें होता है। फिर आगे आता है इसमें मेरे रोज़ स्कूल, हमें रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या वी हैव टू गो। देखो यहाँ पे हैव टू, सॉरी हैव टू, याद रखना हैव टू, है ना? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हैव के साथ टू लगेगा। और जैसे अगर आप इंटरव्यू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव यहाँ आ जाएगा, टू इधर लग जाएगा, और टू दो बार आ सकता है। कैसे? अगर आप गो टू बोलेंगे स्कूल के लिए तो तब क्या हो जाएगा, जैसे आप यहीं से देख लीजिए कि वी हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, दो बार टू लग रहा है ना? तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा बनता है। और क्वेश्चन वर्ड में देखो रूल सारे सिंपल से सेंटेंस आप टेंस पढ़ते हैं उसी तरह से हैं, लेकिन याद रखना कि हैव और टू में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाई हैव वी टू गो टू विलेज, यहाँ पे टू आ सकता था, लिखा नहीं है, लेकिन चल जाता है इसमें क्या है। लेकिन अगर आप यूज़ करोगे दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज जब हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए उससे पहले टू आता है। अब बात करते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस पर आप गौर करेंगे। ये देखो जैसे हमें कंप्यूटर सीखना पड़ता था, वी हैड टू, तो पास्ट में तो हैड टू आ गया, ठीक है। और लर्न कंप्यूटर, और अगर यहाँ पर कहीं जाना होता तो टू आ सकता था, ठीक है। वैसे ही इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन इंटरव्यू नेगेटिव में नॉट लग जाता है, फिर क्वेश्चन नोट इसी तरह से बनता है। मतलब एक बार आपको अगर एक समझ आएगा तो सारे इजी हैं, लेकिन ये बिना अभ्यास करना पड़ता, अभ्यास बहुत करना पड़ता है, बहुत बार रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप अच्छे से करना। फिर क्या लिखा गया, तुम्हें क्लास में जल्दी जाना पड़ता था, तो ये पास्ट के लिए इसलिए बनाया गया, ठीक है, ये मजबूरी थी टेंस में। और आगे ये सारे एग्जाम्पल हैं, मेहनत फ्यूचर के लिए। जैसे आज डिनर तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो यू विल, यू सब भी लगता है, और हैव टू, यू विल हैव टू कुक डिनर टुडे, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो देखो ये तीनों टेंस हो गए, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस की वाली बात है, तो ऐसे बोलना है। जैसे मैं बोल के तो आपको दिखाता हूँ, इसमें है यू विल हैव टू कुक डिनर, यू विल नॉट हैव टू कुक डिनर, विल यू हैव टू कुक डिनर, विल यू नॉट हैव टू कुक डिनर, और वाई विल यू हैव टू कुक डिनर, वाई विल हैव यू नॉट टू, देखो वाई विल हैव यू, सॉरी क्या लिखा है, वाई विल यू हैव नॉट टू। तो ये जो
हैव नॉट बीन लिखा हुआ है, मतलब इसको आप एक बार दोबारा समझो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है बोलने में, क्योंकि इसे यूज कम होता है इसलिए हम कई बार घबरा जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई विल यू नॉट हैव टू कुक डिनर, क्योंकि आपने पिछले ऊपर देखा होगा कि वहाँ क्या लिखा था, वहाँ लिखा था वाई हैव यू नॉट, ठीक है, और यहाँ लिखा है वाई विल यू नॉट हैव टू। देखो अब यहाँ आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो याद करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, पहला क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव नॉट, फिर हैव टू हेल्प, वहाँ पे हैव टू जो है ना वो एक एडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब उसका अगला हिस्सा ये है, फिर मेन वर्ब है, फिर कुक और डिनर, डिनर तो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे हैव आगे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे विल ऑलरेडी उसकी हेल्पिंग वर्ब है और हैव टू उसका एट्रीब्यूट है, इसलिए। तो ऐसी प्रैक्टिस बाकी सब में आप कर सकते हो, ठीक है, इधर भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से, और तो आई थिंक यू गॉट इट वेल। फिर ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये असेसमेंट टेस्ट है, ये आपके इसमें दिया गया है, आप उसको क्लिक करके इसे रीड करेंगे, वही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आपके समझ में ये अच्छे से आ गया है, यू नो वेल नाउ हाउ टू यूज़ कंपल्सन, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, विल टॉक टू लेटर।